बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग इतनी रात को कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में इकट्ठे हैं। चार लाइन पहले सुना देता हूं, उसके बाद आप लोग जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही सुनाऊंगा। आदरणीय शशिकांत यादव जी को बहुत विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनका बहुत ही स्नेह रहता है और मैं लगातार मध्य प्रदेश के बहुत सारे जगहों पर कार्यक्रम में जाता आता रहता हूं। चार पहली लाइन सुन लीजिए। स्वागत है ना, भुवन जी कह रही है स्वागत है। दरअसल मेरे से पहले भुवन जी को मैंने पूछा था शशि जी से कि किसे पहले पढ़ाओगे, तो इन्होंने कहा कि पहले माता को पढ़ाएंगे बाद में भैरव आएगा, तो इन्होंने पहले माता को पढ़ाया। ऐसा नहीं है, हम अलीराजपुर के लोग हैं, पहले लिमका पीते हैं फिर कोको कोला। अच्छा, तो फिर अब बताओ कि पहले हम रसगुल्ला खाते हैं फिर गुलाब जामुन, और भी कुछ बताओ। तो गुलाब जामुन भी नहीं, तो काला जामुन है, उसी को गुलाब जामुन कहते हैं भाई साहब। नहीं, गुलाब जामुन तो ये जैसे साक्षी है उसको कहते हैं। ऐसा है, मैं बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ। जब बिहारी बोल दिया तो मूर्ख बोलने की क्या जरूरत है, पागल। नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कितने बुरे दिन आ गए मेरे कि आदमियों के भी मुंह लगने पड़ रहे हैं। हाँ यार, मेरी शक्ल ही बुरी है, बाकी तो सब ठीक है। चार लाइन सुनना, आप सबको आनंद दिलाता हूँ। एक बार चाहता हूँ आप सबसे कि हमारे दिनेश देसी जी ने आपको जिस तरह से हंसाया, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। सचमुच हम बातें करते हैं कई तरह की कि हमें किस पर हंसना चाहिए किस पर नहीं हंसना चाहिए, लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार करके और उन्होंने पूरे मन से हंसाया। किसी का उपहास करना उनका कोई उद्देश्य नहीं होता और वो अपने ऊपर ही व्यंग करके लोगों को हंसाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। चार लाइनें पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग जैसा सुनना चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही सुनाऊंगा। मेरे विषय में बताया कि बिहार से आया है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिहार से ही रहने वाला हूँ। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी एक एक करके बंद होने लगे शराब में, वो भी शराब में ही बंद हो रहे हैं। एक ही बचा हुआ है, सात संबंध चले गए हैं, आठवां संबंध जैसे ही जाएगा वो भी हेमंत सोरेन हो जाएगा। हाँ, वो हेमंत सोरेन हो जाएगा भाई साहब। चार लाइन सुनिएगा बस, आप लोगों पर एक बार पहुंच जाऊं। अभी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, साक्षी ने बहुत अच्छे गीत आपको रामलला पर सुनाए। मैं एक हास्य का कवि हूं, आप दिनेश भाई सुनिएगा, पहली बार ये दो मुक्तक विशेष सुना रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग जैसा सुनना चाहेंगे। हालांकि आज आपके क्षेत्र में बड़ा भव्य स्वागत हुआ, जैसे ही मैं ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंचा, बहुत विशेष गाड़ी भेजी थी आप लोगों ने, उस गाड़ी में बैठा हुआ था तो सड़क के किनारे मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका तो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना, तो यहाँ के लोगों को ज्यादा समझाया भी नहीं जा सकता। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, अच्छा मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूं। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है, मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वो चीते की बात चल रही थी, वो चीते भारत आए तो मैंने चीते से भी पूछा। चीते से भाई, जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है, तो मैंने चीते से भी पूछा। मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। वाह, मैंने तो एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती है,
तो मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महिलाओं को प्रणाम करता हूँ, वो हंस रही हैं। निवेदन करता हूँ कि घर पर भी ऐसी रहा करो। वाह, अगर ये घर पर भी ऐसी रहेंगी तो काय को वन विभाग वाले ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ कर लाएंगे, बाहर आकर के हंसेंगे, घर पे नहीं हंस लेंगे। लेकिन सचमुच महिलाओं को प्रणाम करने का मन करता है। हम पुरुष, जितने भी पुरुष हैं यहाँ पर, 100% स्वच्छता अभियान को मानने वाले लोग हैं, 100%। ये महिलाएं नहीं मानती, हम पुरुष 100% स्वच्छता अभियान को मानते हैं। हम हफ्ते में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं, महीने में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं, हम दाढ़ी बनवा करके आए, बाल बनवा करके आए, हम आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। नहाने तो दूर के पंच ऐसे लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं सच बता रहा हूं आपको, तो मैं आपको चार लाइनें सुना रहा था धीरे, जब उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था, तो चुनाव के ठीक बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। तो मैंने कहा अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे, जब तुम्हारे पास पहले से ही इक्का था। वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्याय करेंगे, न्याय करेंगे। मैंने कहा पहले काहे को अन्याय किया था, जो अब तुम्हें न्याय करने की जरूरत पड़ रही है। अब ये चार लाइन सुनिएगा, रामलला को समर्पित करता हूँ। एक बार आप लोग मेरे रंग में, मतलब मेरे हास्य के रंग में आ जाए तो आपके ऊपर कोई और नहीं, मैं नहीं चाहूंगा आपके ऊपर ऐसा रंग चढ़े, क्योंकि ऐसा रंग बहुत मुश्किल से मिलता है। सच बता रहा हूं, कभी भी इश्क करो ना तो काले रंग के लोगों से करना, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। तालियां थोड़ी सी कमजोर है आपकी, बात बहुत बड़ी कह दी मैंने, बहुत बड़ी कह दी। भुवन कह रही है बड़ी कह दी, भुवन कह रही है तो कहने दो भाई, मैं तो मना भी नहीं कह सकता। भुवन मोहिनी और शंभु रिश्ता तो पता ही आपको, तो इसलिए मैं क्या कहूं, सब कुछ पता है आपको। चार लाइन सुनिएगा। ये फोटोग्राफर, देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये फोटो खींच रहा है, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। बताओ मैं परेशान हो रहा है बेचारा, इधर से खींच ले, इधर से खींच ले, बस खींच ले भाई। फोटो तो एक मिनट में ली जा सकती है, इमेज बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। धन्यवाद, आप लोग अच्छी बात भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। प्रणाम करते हुए चार लाइन मैं पहले सुना देता हूँ, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। सच बता रहा हूँ आपको, मैं तब तक याद रहूंगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। सच बता रहा, अगर समझ में आ गई तो। मेरे पड़ोस में रहते हैं अर्जुन भाई, दिनेश भाई, भुवन जी, विष्णु दादा। मेरे पड़ोस में एक रहते हैं रहमान चाचा, रहमान चाचा। रहमान चाचा ने एसबीआई बैंक को फोन किया और एसबीआई से कहा मेरा एसबीआई का एटीएम एक्सपायर हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो कस्टमर केयर वाली ने कहा आपको किसी नजदीकी शाखा में जाना चाहिए। तो रहमान चाचा बोले अच्छा, अब ये बैंक भी आरएसएस वाले चलाने लग गए क्या? उस भाई वो बंद करते हो, माइक बदलोगे? आओ तुरंत बदल दो, आ जाओ। हो गया, अच्छा इन्होंने खुद ही बंद कर दिया था। वो यादव भी है ना भाई, सब संचालक के साथ साथ खुद ही होता है ना बंद। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बैठे रहो। अरे मैं शंभू हूँ, भुवन थोड़ी हूँ जो तुम आ रहे हो। ये अब आ गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ भैया, वो तो चल ही रहा है, फील ले रहा है, फील ले रहा है।
ये बंद बता, इसने तो मेरी मोहे मोहे कर दी मोहे मोहे कर दी इसने तो। चार लाइन सुनना, आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हो। महिलाओं को फिर से प्रणाम करता हूँ। चार लाइन भाई साहब, जो लोग राम जी का विरोध करते हैं चार लाइन उनको सुनो कि इंसानियत का इनको सारा, साउंड वाले से निवेदन है इसका इको खत्म कर, खत्म कर। क्या है ना कि ये लोग सब सुर में गाते हैं, मैं महिषा सुर में गाता हूँ। इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो, इंसान राम जी पर कभी कभी कविता कहते हैं, श्रृंगार की कभी कविता कहते हैं, लेकिन हर कभी राम जी पर कविता कहते हैं, तो आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए। मुझे तो भाई साहब, इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो, इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो, एक बार आपको ये बिल्कुल सिद्ध करता है, ये आप कार्य के लिए
माँ भारती को इतना दुलारा नहीं होगा, दुनिया में कोई इतना भी प्यारा नहीं होगा, दुनिया में कोई इतना भी प्यारा नहीं होगा। आएंगे कई लोग और आएंगे जाएंगे, लेकिन आजाद जैसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन आजाद जैसा दोबारा नहीं होगा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, मैं तो वहीं अटका हुआ हूं, मैं सच बता रहा हूं। मैं तो देखो बिहार का आदमी, बिहार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है, उसमें कोई दो राय। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर मुझे तीन चार बिहार के लोग मिले, वो आए बोले जी हम बिहार के हैं। एक तो गोपालगंज के, क्या नाम था भाई साहब? राय साहब। हाँ, गोपालगंज के हैं। देखो भाई साहब, अगर आपके यहाँ पर बिहार के लोग हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं, सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। तो हमारा तो मामला, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो, बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से, अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मुछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुरका और के चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला भाई साहब आप तो दो दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ। बोला बेटा जैसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है, ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, यह होती उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था यार किसी दिन शमशान घाट का करवा लो, सही है, काम लेना आना चाहिए। मैं तो पिछले दिनों अमेरिका गया था, बिल्कुल दोस्तों सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं सर अमेरिका में भी यह धोती कुर्ता पहन के चला गया, टाइम स्क्वायर बिल्डिंग पे घूम रहा था मैं धोती कुर्ता पहन के, एक अंग्रेज आ गया पीछे से धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस, मैंने कहा धोती, बोला व्हाट धोती, मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। हाँ सच बता रहा हूँ, ये तो मामला है। उस अंग्रेज को मैं भारत ले आया, मैंने कहा चल तुझे भारत वालों को दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं। मैं जैसे ही आया अपने घर में गया, अपन सनातनी लोग तो घर के आंगन में ही तुलसी का पौधा, मैंने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, बोले ये क्या है, मैंने कहा तुलसी का पौधा हमारी माँ है। ऐसा सुनते उसने चार पांच पत्ते तोड़े इधर उधर फेंक दिए, बोले ये देखो मैंने क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, अपन अतिथि देवो भव, खाना वाना खिलाया, खिला करके मैं उसे ले गया बगीचे में घुमाने, वहां मिला खुजली का पौधा। मैंने कहा पिताजी से मिलो, पिताजी ने जो उसके साथ संस्कार किया उस दिन से लेके आज तक अंग्रेज लाल पैदा हो रहे, नहीं तो मेरी तरह काले पैदा होते। चार लाइन सुनाता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों, अलीराजपुर के लोगों, ये धोती कुर्ता मंच पर मैं इसलिए पहनकर नहीं जाता क्योंकि मुझे नए कपड़ों का शौक नहीं है, मैं धोती कुर्ता पहनकर मंच पर सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि चाहे वो आपके मध्य प्रदेश का कोई गांव हो, चाहे वो मेरे बिहार का कोई गांव हो, भारत का कोई भी गांव हो, हमारे गांव में जब कोई बुजुर्ग मरता है ना तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक व्यक्ति कम हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें अपने परिधान अपने संस्कारों की भी रक्षा करनी होती है। चार लाइन सुनिए और एक कविता विशेष आपको सुना करके आप लोगों से स्थान लेता हूं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये चार लाइन मैं अपने लिए कहता हूं और ये चार लाइन मैं इसलिए कहता हूं कि जीवन में हंसी से बड़ी कोई चीज नहीं है, सच बता रहा हूं। कई बार तो ऐसी नाम तक से हंसी आ जाती है। मैं घर से बाहर निकला, एक आदमी मिला, मैंने पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है, बोला जी धनिया लक्ष्मण। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ, बोला जब हल्दीराम है। मैंने कहा यार बात बता दो, सच बता रहा हूँ। एक का नाम था प्राणनाथ, उसकी नौकरी महिला कॉलेज में लग गई, छह महीने तक तो तनख्वाह ही नहीं ली। छह महीने बाद वार्डन ने बुलाया, बोले तू तनख्वाह क्यों नहीं लेता, बोले जी तनख्वाह भी मिलेगी। महिलाओं की अलग प्रॉब्लम थी, उसे प्राण कह के नहीं बुला सकते प्राण इधर आओ, ना नाथ कह के बुला सकते नाथ इधर आओ, ना प्राणनाथ कह के बुला सकते प्राणनाथ इधर आओ। तो उससे पूछा तेरा सरनेम क्या है, बोला जी स्वामी।
तो आदमी का मामला बिल्कुल अद्भुत होता है। ये चार लाइन सुनिएगा आप सबको कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। एक कविता विशेष आपको सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ। बिल्कुल घबराइए मत, मुझे हास्य के अलावा दूसरी बातें आती नहीं है, इसलिए बिल्कुल विशुद्ध हास्य की कविता सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों में बैंक गया सर, जाकर के सो गया तो आकर के मुझे गार्ड ने उठाया, बोले कोई सोने की जगह है। मैंने कहा जी आप लोग पर बोर्ड टांग रखा है, हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। अब तो लोन लेने आए थे, मुझे क्या पता तो सोना पड़ेगा। मैं डॉक्टर के पास चला गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना सोया कि नींद आनी बंद हो गई। तो डॉक्टर ने दो गोलियां दे दी, बोला एक तो सोने से पहले खा ली और दूसरा उठ जाए तो। तो डॉक्टर भी कमाल के होते हैं सर। हाँ तो चार लाइन सुनना, इस पे आप लोग आनंद लेना। एक विशुद्ध हास्य की कविता सुनाता हूँ कि आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। वाह, ये बता रहे मैं मर रहा है कह रहे बहुत अच्छे एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। वो हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे, गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, किंतु शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। वाह, हम तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं, हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज हैं। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे, अपनी आंख तक खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए, अपनी नींद तब टूटी जब दो दो बच्चे हो गए। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बहुत होशियार थे। उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में ही उठाया जाता था। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी समस्या से शहर के सारे लोग डरे थे। सच बता रहा हूँ शशि भैया, समस्या ये नहीं है कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ, बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ। समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। समस्या ये नहीं है कि बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ, मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ। समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग जिस मन के साथ सुन रहे हैं अपनी चार लाइनें अंतिम कह करके, और आप लोगों से विदा चाहता हूँ कि आयोजक हमें सम्मान के बदले दे दे चार पाई, साथ में एक रजाई। हम कभी सम्मेलन खत्म होते ही इसी पीछे पीपल के पेड़ के नीचे सो जाएंगे, अगले साल बुलाना नहीं पड़ेगा, यहीं से उठकर सीधे आपको कविताएं सुनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।